सर, सर ये आप थोड़े से इन प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। मैं आपको कुछ दो प्रोडक्ट बताता हूँ जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, अभी हमारे किसान भाई जो हैं वो थनेला रोग से बहुत परेशान होते हैं जी। लेकिन थन खराब होने के बाद क्योंकि उस पशु की कीमत आधी से भी कम बचती है जी सर। यदि भैंस है तो यदि आप 80-85 हज़ार रुपये की भैंस लाते हैं, एक थन खराब होने के बाद उसकी कीमत मुश्किल से 30 या 40 हज़ार रुपये बचती है। वो केवल हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है उनमें कमी के कारण होता है। हाँ सर, क्योंकि थनेला मेनली होने के दो रीज़न होते हैं जी। या तो इनकम्प्लीट मिल्किंग होती है, हाँ। यदि दूध पूरा नहीं लगता है, छूटता है तो वो उसका सॉल्यूशन है कि आप मशीन से मिल्किंग करें, क्योंकि मशीन थकती नहीं है। आपका जो भी लेबर है उसकी एफिशिएंसी 5वें में वो बराबर नहीं होगी जो पहले में थी, हाँ। और 10वें में वो जाते जाते कहीं ना कहीं दूध छोड़ना चालू करता है जी सर। तो उसमें आपका दूध का नुकसान होता है। दूसरा, हाई फैट का दूध जो ऊपर रहता है वो क्वालिटी का भी नुकसान होता है जी सर, और मेस्टाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक रीज़न वो है, हाँ। दूसरा रीज़न ये है कि जब हमारा मिल्किंग होता है तो मिल्किंग के बाद उसकी मिल्क कैनाल वो आधा पौन घंटे ओपन रहती है, हाँ। उस बीच में गाय या भैंस नीचे बैठ जाती है तो नीचे गंदगी है, बैक्टीरिया है, हाँ। वो बैक्टीरिया उसके अंदर इंसर्ट कर जाता है जी। तो वहाँ से मेस्टाइटिस होना चालू होता है। लेकिन हमें पता तब लगता है जब या तो अडर में सूजन आ जाए, हाँ। या छीछड़े आने लगे, हाँ। वो होती है क्लिनिकल स्टेज, हाँ। मतलब हम स्टेज ऐसी पहुंच गई जहां हमें इलाज के अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं है सर। थन बचेगा कि नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, हाँ। तो ये एक CMT किट है, हाँ। ये वर्ल्ड वाइड यूज़ करी जाती है ना, कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट करके होता है, हाँ सर। ये तो इसमें केवल आपको ये काम करना है, ये किट में चारों थनों का एक एक धार 2-2 ml दूध आपको लेना है चारों, और इसमें ये रीएजेंट आता है, हाँ सर। इसमें 3-3 ml रीएजेंट डालना है, हाँ। उसके बाद इसको हिला के देखना है, किसी भी थन में यदि इन्फेक्शन होगा तो उसमें जेल फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब जेल बन जाएगा, हाँ सर। तो वो हम पहले पता कर सकते हैं कि इसमें बीमारी की शुरुआत हुई है। तो उसमें क्या होता है कि आप लो डोज के एंटीबायोटिक्स उसको सही कर सकते हैं। अभी यदि एक बार थनेला होता है तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये का आपका दवाई का और ट्रीटमेंट का खर्चा होता है, और पूरे ब्याज में जो आपका दूध धीरे धीरे कम होता जा रहा है वो नुकसान अलग। सर कितनी कॉस्ट आएगी अगर इन दोनों को? ये 388 रुपये का किट है, 388 रुपये का मात्र किट। आपको एक बार और लेना, एक ही बार लेना है, हाँ। बाद में आपको रिएजेंट अलग से 1 लीटर और 5 लीटर की पैकिंग में मिल जाता है जी सर। तो ये हमको एक रूटीन बनाना है जी सर, कि हम महीने में 2 बार हर पशु का टेस्ट करके और देख सकते हैं, और इस तरीके से हम उसमें जो लिटरेचर है उसमें किसानों के लिए ये भी देते हैं कि इस तरीके से आप रिकॉर्ड रखें, जैसे पशु का नाम या नंबर जो भी हम यूज करते हैं उसका, हमने जिस भी डेट में टेस्ट किया, हाँ। महीने में 2 बार टेस्ट करें जी। तो किस थन में यदि हमको इन्फेक्शन मिला है तो हम उसको मार्क कर लें, या चारों ओके है तो उसको मार्क कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। और इसमें आप ये समझ लीजिए कि 3.5 रुपये का खर्चा आता है एक पशु का टेस्ट करने के लिए, मतलब महीने में केवल 7 रुपये का खर्चा है। लेकिन हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे जानवरों में बीमारी शुरुआत तो नहीं हो रही जी सर। शुरुआत होगी तो शुरू में लो डोज के एंटीबायोटिक्स सही हो जाएगा जी। और सबसे बड़ी बात, थन खराब होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम शुरुआत में पता लग जाते हैं जी सर, जस्ट लाइक कैंसर। आखिरी स्टेज में हम इलाज ही करा सकते हैं, उम्मीद नहीं कर सकते हैं जी सर। लेकिन शुरुआत में यदि पता लग जाएगा तो हमारा इलाज उसका संभव है जी सर। तो वो चीज़ है सर। और ये एक चेकिंग हो गई, हाँ सर। और इसके बचाव के लिए एक दूसरी चीज़ है, हाँ सर। आप यहाँ आप देखें, ये लैक्टिफेंस करके लिक्विड है, हाँ सर। जो मैंने आपको कारण बताया था कि थनेला होने का रीज़न क्या है, हाँ सर। जो आधा पौन घंटे मिल्क कैनाल ओपन रहती है उस बीच में बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, इससे हमको चेकिंग कर लेना है, हाँ। और ये उसका बचाव है। अच्छा, इसमें जो है केवल चारों थने आपको इसको मिल्किंग के बाद दोनों टाइम डिप कर देना है। अच्छा, ये लगभग 6 घंटे तक एक लेयर बना लेता है जिससे कि बैक्टीरिया उसके अंदर जा नहीं पाता। तो मेस्टाइटिस होने के चांसेस आपके ख़त्म हो जाते हैं जी सर। तो हम बचाव में ज़्यादा ध्यान दें तो हमें इलाज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, हमारा जो मेन उद्देश्य है किसानों को ये जागरूक करना है कि हम इलाज की बजाय उनको न्यूट्रिशन और बचाव
उन चीज़ों पे हम ध्यान दें जिससे कि हमारा पशु स्वस्थ बना रहे, और जब पशु स्वस्थ रहेगा तभी हम डेयरी से अधिक लाभ ले पाएंगे। तो सर अगर इनमें से अगर किसी किसान भाइयों को अगर ये चीज़ खरीदनी हो तो सर कहाँ से खरीद सकता है? सर हमारे ऑफिस भोपाल, इंदौर, रतलाम सभी जगह उपलब्ध हैं। आप हमारे पेज पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर एक आपका जो वेबसाइट बता दीजिए जिस पे सारी जानकारी। ये हमारा भोपाल के ऑफिस का एड्रेस है जी, और सभी किसान भाइयों को इंदौर तथा रतलाम में भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं जी, वो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम एमपी में कहीं भी इन चीज़ों को उपलब्ध करा दें जी सर, उसकी उपलब्धता आपको रहेगी जी सर। ठीक है सर।